हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, दो वीडियो आज की डेट में यहाँ पर हमने डाल दी है। ओके, जाके देखिएगा, काफी बेहतरीन यहाँ पर वीडियो डाली गई है, जहाँ पर एक 44 रुपीज का स्टॉक्स है। इसके आप देखेंगे हैवल्स, KEI, KEC, फिनोलैक्स, केवल, पॉलीकैप, टोरेंट पावर, एंकर, अपार एटसेट्रा। मतलब डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इनसे बहुत ज्यादा कंपनियां के साथ टाई अप है। 50 कंट्री के साथ यहाँ पर ये डील करता है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये शेयर आपको अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है, जाके देख लीजिए। एक और स्टॉक जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर फंस सकते हैं, जाके इस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 स्टॉक से रिलेटेड, मदरसन सुमी वायर, एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरी। ये 3 स्टॉक से इससे रिलेटेड बातें करेंगे, एक एक करके जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन हिट नहीं कर रखा। वीडियोस नहीं जाती तो देख नहीं पाते, सीख नहीं पाते। तो याद रखिए, बिना सीखे तो किसी को कुछ नहीं मिला। एज वेल एज यहाँ पर नितेश कुमार दूसरा चैनल है, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है। और यहाँ पर देखिए टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस है, कि किस बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, कि कैसे। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर बेच दिया है स्टॉक्स, उसके बाद ऊपर भी गया, बट यहाँ पर दोबारा गिरता हुआ नजर आया। आज इस यहाँ पर टेक्निकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे टेक्निकल्स काम करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब एक एक करके काम करते हैं हम। सबसे पहले अमर राजा की बैटरी की बात करते हैं। अमर राजा बैटरी की अगर मैं बात करूं तो अमर राजा बैटरी यहाँ पर एक लंबे समय से यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में है। एज वेल एज यहाँ पर इस शेयर ने एक मल्टी बैगर रिटर्न दिए, और मल्टी बैगर रिटर्न देने के बाद इसमें एक अच्छी खासी गिरावट भी होती हुई नजर आई। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अमर राजा बैटरी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट कहाँ से आती हुई दिखाई दी है। या यहाँ पर देखिए, गिरावट तो यहाँ पर काफी टाइम से है। जैन 2021 में 1000 का 70 बनाया, और इसके बाद लगातार इसमें गिरावट है। और यहाँ पर बात करें, ये शेयर लगभग कितना 50% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी कर चुका है। तो 50% गिरावट होने के बाद, और जब ये शेयर किसी जमाने में यहाँ पर मल्टी बैगर रहा था, हर एक की चॉइस थी, हर एक की पसंद थी। क्यों? क्योंकि ये 9 रुपए वाले स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स, मतलब 2015 में 1000 रुपए से ज्यादा यहाँ पर पहुंच चुका था। एज वेल एज बात करेंगे इसके कॉर्पोरेट एक्शन की, तो कंपनी यहाँ पर देखिए 2014 में बोनस दिया है, 2 बार यहाँ पर स्प्लिट दे चुका है डिविडेंड, डे हर बार डिविडेंड दिया है 2005 से लेके अभी तक डिविडेंड देखता आ रहा है। तो ऐसे शेयर को कौन छोड़ना चाहेगा। बट स्टिल यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न 3 साल 5 साल का ले लीजिए, तो 5 साल से एक ही रेंज में शेयर चल रहा है, बल्कि उस रेंज से भी नीचे यहाँ पर शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या शेयर बेकार हो गया? तो इस चीज का आंसर यहाँ पर हम लेते हुए नजर आएंगे। कंपनी अमर राजा की बात करें तो बैटरी, जब कंपनी की बात हो रही है तो बैटरी बनाने में नंबर 1 स्टॉक है। सबसे पहला स्टॉक इसी शेयर का लिया जाता है, इसी कंपनी का लिया जाता है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में इस तरीके से जो हिचकोले, ओके, जो यहाँ पर जिगजैग मोशन में यहाँ पर चार्ट चलता हुआ नजर आता है। और ये जो छोटी सी कंपनीज होती है ना, इसमें इस तरीके के जिगजैग मोशन तो आती रहते हैं, गिरावट उतार चढ़ाव आता रहता है। बट अच्छी कंपनी ये बताती है कि शेयर हमेशा ऊपर ही रहता है। ओके, टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये पर्टिकुलर टाइम था 2005 से लेके 2006 के बीच का, या फिर बात कर सकते हैं ये 2009 के बीच का। तो लगभग 4-5 साल कंपनी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद जब रिटर्न देने शुरू किए तो मल्टी बैगर रिटर्न। एज वेल एज जब बैटरी की बात कर रहे हैं, ईवी की बात कर रहे हैं, बैटरी स्वैपिंग की बात कर रहे हैं, तो ये काम कर रहा है उस पर। और बहुत जल्दी यहाँ पर एक ऐसी न्यूज आती हुई नजर आएगी जो ये शेयर को, जो यहाँ जहाँ से गिरा है ना, उससे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 24 का पी इंडस्ट्री का, इसका पी 16 का, आरओसी आरओई 15 और 11 का, डेट फ्री शेयर है, मतलब डेट नहीं है, अच्छा खासा आरओसी आरओई है, कम प्राइस पे मिल रहा है। और यहाँ पर 1000+ के लेवल लगा के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 5 साल से एक रेंज में चल रहा है, बल्कि नीचे ही है। तो ऐसे शेयर काम करते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा सा वेट करना होता है बस, दैट्स इट। मैं और इसके अलावा अभी रिजल्ट आए, रिजल्ट की बात करें 2620 करोड़ के यहाँ पर सेल्स है, और नेट प्रॉफिट 131 करोड़ का है, जो कि क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छा है।
बट कंपनी के जो मार्जिन है क्वार्टरली बेसिस पर फ्लैट है बट ईयरली बेसिस पर गिरते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि मैंने फार्मा में बताया है कि 3 से 6 महीने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहेगी, इसके बाद भागेगा, तो 3 से 6 महीने की और प्रॉब्लम है, इसके बाद शेयर भागता हुआ नजर आएगा, नया लेवल निकालता हुआ नजर आएगा, दोबारा काम करता हुआ नजर आएगा और दोबारा रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने लगातार यहाँ पर अपनी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने लगातार ग्रोथ अपनी यहाँ दिखाई है, कुछ टाइम से यहाँ पर ऊपर नीचे चल रहा है, दैट्स इट। जब ये शेयर दोबारा भागना शुरू करेगा, दोबारा मल्टीप्लाई का रिटर्न मिलेंगे, रिजर्व्स अच्छे खासे रिजर्व्स, डेट फ्री यहाँ पर शेयर, आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत ही डेट है, एज वेल एज शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, FIIs भी है, DIIs भी है, प्रमोटर्स भी है और पब्लिक भी है। चार्ट की बात करें तो चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर में एक तरफा यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरफा लगातार इसमें यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई थी और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल उसी रेंज में, जो हमारी टेक्निकल है, जो हमारे लाइंस है ट्रेंडिंग लाइंस, उसी की रेंज में यहाँ पर ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस किया, शेयर में यहाँ पर तेजी होगी, एज वेल एज शेयर ने रिजल्ट अच्छे दिए हैं यहाँ पर रिटर्न के मामले में। अगर आप देखेंगे मार्जिन का इफेक्ट पड़ा है बट रिटर्न आप देखेंगे तो रिटर्न आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए 261 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है। गिरावट की बात करें, गिरावट ऑलरेडी हो गई है क्योंकि 50% की गिरावट बहुत मायने रखती है, तो शेयर में ज्यादा गिरावट नहीं होगी और स्टिल अगर गिर भी जाता है तो 50-60 रुपए की यहाँ पर गिरावट है। ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन फेज में ही यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एक ये लेवल एज वेल एज एक ये लेवल यहाँ पर अगर हम बात करें 531, ये दो लेवल को निकाल दे तो शेयर 580 की तरफ भागेगा। बट जिस हिसाब से यहाँ पर गिरावट हुई है और गिरावट में देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर गिरावट हुई है, गिरावट किस तरीके से हुई है, राउंडिंग टॉप बना के हुई है। एज इट इज जब ये शेयर भागेगा तो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना के ही भागेगा और अच्छे खासे रिटर्न आपको उस केस में मिलते हुए नजर आएंगे। तो आप याद रखिएगा मेरी बात, ओके, कि ये शेयर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेम एज इट इज एक्साइड इंडस्ट्री भी एक बेहतरीन शेयर है, आपको पता ही है, ये तो और सस्ता मिल रहा है, 2 के मल्टीपल पे मिल रहा है। ओके, एज वेल एज 24 का यहाँ पर पीई रेशियो था। मार्केट कैप की बात करें तो अमर राजा से बड़ा है बट बैटरी के मामले में वो शेयर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नजर आता है और यहाँ पर 74% रेवेन्यू स्टोरेज बैटरी से आती है। ROE देखिए काफी बेहतरीन है। यहाँ पर डेट की बात करें कंपनी का, यहाँ पर भी डेट नहीं है, कंपनी यहाँ पर उससे भी अमर राजा से काफी अच्छी नजर आती है। क्यों? क्योंकि सस्ता है, पीजी रेशो अच्छा खासा है, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। बट ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना इंश्योरेंस बिजनेस बेचा शायद, इस वजह से। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ भी देख सकते हैं, 14 रुपए का स्टॉक्स कहाँ गया, 272, और उसके बाद यहाँ पर लगातार गिरावट है बट जिगजैग मोशन में जैसे चलता है, गिरावट ऊपर नीचे यहाँ पर चलता रहता है, वो यहाँ पर हमेशा चली गई, इस चीज को याद रखिएगा। सेल्स की बात करें, अब बैटरी स्वैपिंग वगैरह ईवी की बात हो रही है, शेयर भागेंगे, थोड़ा सा खर्च कर रहे हैं। एज वेल एज देखिए कंपनी के रिजल्ट, तो हाईएस्ट एवर हम यहाँ पर इसने सबसे 19 क्वार्टर पिछले 12 क्वार्टर में सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल्स दिखाई है। नेट प्रॉफिट देखिए 203 करोड़ रुपए का है, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा ईयरली बेसिस पे देखिए 33 करोड़ से 203 करोड़ हुआ है, ये अच्छी खासी बात है। इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो अदर बिजनेस से आया, जो इन्होंने अपना इंश्योरेंस बिजनेस बेचा था, वहां से पैसे आते हुए दिखाई दिए थे, तो इसे यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो मार्जिन की बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे मार्जिन बढ़ा है, ईयरली बेसिस पे मार्जिन बढ़ा है, इस शेयर की तरफ ध्यान रखिएगा। एक्साइड यहाँ पर अच्छा खासा कमाल करके दिखा सकता है, रिजर्व्स है, सब चीज है, सब चीज मिलती हुई नजर आएगी, FIIs है, DIIs है, पब्लिक है, ओके, एज वेल एज प्रमोटर्स है, सब कुछ अच्छा खासा नजर आता है, कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे एटलीस्ट यहाँ नजर नहीं आती। ये लेवल मैंने खींच रखा है 162, इसे निकाला, शेयर में तेजी, और वो तेजी इसे कहाँ तक लेके जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तेजी यहाँ तक होती हुई दिखाई देगी, 185, शेयर में गिरावट ऑलरेडी हो गई है, शेयर बहुत ज्यादा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, शेयर ने जो यहाँ पर राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आई थी वो आ चुकी है, अब राउंडिंग बॉटम बना के राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जानी है, वो यहाँ पर जाएगी 218 तक यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना होगा क्योंकि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, और यहाँ पर पेशेंस आपको रखना ही पड़ता है, स्टॉक मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए और सारे लेवल तोड़ेगी, तोड़ के यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न देगी, तो थोड़ा सा इसमें भी आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करने की बस जरूरत है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और स्टॉक जिसका नाम है मदरसन सुमी वायर। अभी यहाँ पर डीलिस्ट हुआ यहाँ पर डीमर्जर हुआ था मदरसन के साथ, और मदरसन सुमी वायर इंडिया को एक अलग पहचान मिली और अलग लिस्ट होता हुआ नजर आया, NSE BSE दोनों पे है, बोर्ड देख सकते हैं।
मिड कैप कंपनी है, 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 54 का पी है, इंडस्ट्री का पी 24 का है, स्टिल महंगा शेयर है, बट अच्छे शेयर महंगे मिलेंगे, सस्ते नहीं मिलेंगे। आरओसी देखिए 93, आरओई देखिए 82, ऐसे शेयर का आरओसी आरओई ऐसे ही रहेगा क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न देते हैं। 25% का डेट है कंपनी के ऊपर, ओके ज्यादा डेट भी नहीं है। 84 का हाई इसने अभी रिसेंट मारा था, उसके बाद नीचे आता हुआ दिखाई दिया, बुक वैल्यू से काफी ऊपर चल रहा है। एक की फेस वैल्यू है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, जिगजैग मोशन में ऊपर की तरफ ही है। यहाँ पर रिजल्ट आए अभी, और रिजल्ट आने पर यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट एवर सेल्स, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया है। 65 का यहाँ पर देखिए मटेरियल कॉस्ट पड़ी है, इस वजह से इनके मार्जिन पे कॉन्ट्रेक्शन पड़ा है क्वार्टरली बेसिस पे, बट ईयरली बेसिस पे मार्जिन अभी भी अच्छे है। प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा है, कंपनी ने ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट एज वेल एज यहाँ पर सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब अच्छा है, और कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी, अच्छा खासा रिटर्न देगी। बिलीव में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कंपनी के रिजल्ट एकदम फेबुलस है, एकदम अच्छे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑयल के प्राइस कम आए हैं, काफी सारी चीजों के प्राइस कम आते हुए दिखाई दिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा, और मार्जिन अभी जो कम है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक क्वार्टर और शायद यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट रह सकता है, एक आध क्वार्टर, बट उसके बाद चीजें दोबारा भागती हुई नजर आएंगी। मल्टी बैगर शेयर है, भूल मत जाना, यही शेयर आपको करोड़पति बनाते के दिखाएगा, और आप पिछले टाइम में जब मदरसन में था तब भी बना के दिखाया है। नेट प्रॉफिट देखिए 411 करोड़ रुपए का है, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है जिस वजह से यहाँ पर 29 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने वो भी दिया है, इंटरेस्ट पे करते हुए नजर आया है। कंपनी का अदर इनकम थोड़ी सी कम आई थी, इस वजह से मार्च के क्वार्टर में थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। रिवेन्यू देखिए लगभग 800 करोड़ के रिवेन्यू है, वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे है जो यहाँ पर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है सेल्स बढ़ेगी। कैश की बात करें कंपनी के पास कैश भी है, प्रमोटर कंपनी के अच्छे खासे है, थोड़ा बहुत FIs ने अपना हिस्सा बेचा है, FIs ने बेचा, DIIs ने उठा लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ICICI और मिराज एसेट ने यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग करी है, SBI लार्ज कैप ने खरीदा है, और पब्लिक से शेयर जा रहे हैं। पब्लिक से शेयर से जाने का मतलब है कि कम शेयर अच्छा है, शेयर बेहतरीन है। एज वेल एज यहाँ पर इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट यहाँ पर एक जो कैंडल बना रहा है ओके, वो यहाँ पर डरावने वाली कैंडल है जो कि बता रही है कि शेयर यहाँ पर नीचे जा सकता है, बट रिजल्ट अच्छे हैं तो यहाँ पर शेयर अगर नीचे भी गया तो थोड़ा बहुत ही यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो हम अगर यहाँ पर बात करें कंपनी को, अगर यहाँ पर शेयर को भागना है तो शेयर को भागने के लिए यहाँ पर जो इसका यहाँ पर हाई था, इस हाई को निकालना बहुत जरूरी है, 84.4 को इसे निकाला तो यहाँ पर शेयर में तेजी होती हुई दिखाई देगी। एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर में ऑलरेडी यहाँ पर देखिए 60 से यहाँ पर 80 पे आया है, तो कितने परसेंट की तेजी हो गई है आप यहाँ पर खुद भी काउंट कर सकते हैं। तो आपको लगभग 44% के रिटर्न इसमें कुछ एक महीने डेढ़ महीने में देते हुए नजर आया, तो थोड़ा सा वो सस्ता आएगा एज वेल एज थोड़ा सा यहाँ पर घूमता हुआ नजर आएगा, कंसोलिडेट करेगा, और जिस तरीके की कैंडल आई है तो शायद थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है। गिरावट में सबसे पहला लेवल देखिए ये नजर आता है, ये लेवल यहाँ से अगर गिरावट हुई, इसका जो लो है कल का 79 का, अगर इससे नीचे गिरा तो शायद ये आता हुआ दिखाई दे सकता है 76 और यहाँ 74 के आसपास, और यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइएगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे तो याद रखिए एक बेहतरीन पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। और जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था कि किस तरीके से ये जो लाइन्स है ये लाइन वर्क करती हुई दिखाई देती है, एक एक करके जब ये लाइन भागती हुई दिखाई देती है तो अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई देते हैं, और उसी हिसाब से शेयर चलता हुआ दिखाई देता है। अभी की बात करें तो अभी यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से या फिर हम बात करें जिस हिसाब से यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर शेयर और तेजी पकड़ सकता है, और तेजी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तेजी हुई है, रिजल्ट अभी आया है, तो शेयर में अच्छी खासी तेजी और दोबारा हो सकती है, और या फिर यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट होती है होल्ड करिएगा, एक्युमुलेट करिएगा, फिर शेयर भागेगा, अच्छे रेट में मिलेंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, दूसरी वीडियोस को जाके देखना है, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।